नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में तो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फूल मी वंश के बारे में दोस्तों एक, एक टीवी सीरीज है या वेब सीरीज भी आप बोल सकते हैं टीवी सीरीज बहुत ही प्यारी सीरीज होने वाली है दोस्तों फोलमी वंश के बारे में आज हम बात करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगा यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन दबा दे उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें तो दोस्तों फूल मी वंश एक आर्ट सीरीज के भाग वाली मतलब अब तक इसके आठ पार्ट आ चुके हैं और 2024 में इसका सीजन फर्स्ट आया है ये एक थ्रिलर मूवी है इसकी आईएमडी पर रेटिंग जो कि वेबसाइट एग्रीगेटर जो मूवी को रिव्यूज देने वाली साइट है उनके बारे में बताते हैं कि आईएमडीबी जिसमें से 10 में से इसको 7 पॉइंट मिले हैं रोटेन टोमेटोस जिसमें से 100 में से 67% इसको मिले हैं गूगल यूजर्स ने इसको 5 में से 3.1 की दिखाया जो कि एक बहुत ही बिलो आ, अपर एवरेज मूवी देती है आता तो इसे एवरेज बोलते हैं लेकिन अपर एवरेज मूवी है मतलब ठीक ठाक मूवी है आज हम इसके बारे में बात करेंगे ये सबकी अलग अलग पसंद होती है लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसे रेटिंग अच्छी दी है तो आज हम इसके बारे में आते हैं फूल भी वन एक दो हजार चौबीस की ब्रिटिश टीवी सीरीज है जो द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई है तो दोस्तों हम इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी मूवी इसकी स्टोरी क्या है पूरा इसका डिटेल जानेंगे और ज्यादा जा 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 इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं फूल मी वंस एक 2024 ब्रिटिश आठ भाग वाली टेलीविजन श्रृंखला है जो क्वे स्ट्रीट प्रोडक्शंस द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई है जिसे डेनी ब्रॉकले द्वारा इसी नाम के 2016 हजार सोलह हरलान कोबेन उपन्यास से रूपांतरित किया गया है इसमें मिशेल कीगन रिचर्ड आर्मिटेज अदील अख्तर जे स्कैनलान और जोआना लुमली शामिल हैं इसका प्रीमियर 1 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर हुआ सारांश ये कथानक सारांश एक हुक हो सकता है या किसी लिस्टिंग पत्रिका के लिए लिखा जा सकता है कृपया ये सुनिश्चित करके इसे बेहतर बनाने में मदद करें कि इसमें पूरी कहानी भले ही संक्षेप में और विश्वकोशीय शैली में शामिल हो जनवरी 2024 हज़ार चौबीस जाने की इस टैम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है अपने पति जो की हत्या के बाद माया स्टर्न मिशेल कीगन अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कैमरे लगाती है हालांकि सुरक्षा कैमरे के फुटेज देखने के बाद वह जो को जिसे मृत मान लिया गया था घुसपैठियों में से एक के रूप में देखती है इस बीच ए बी डनिया ग्रिवर और डैनियल डैनियल बर्ट उसकी भतीजी और भतीजा अपनी माँ की हत्या के बारे में सच्चाई और दोनों मामलों के बीच संभावित संबंधों का पता लगाना चाहते हैं दो कास्ट करें माया स्टर्न के रूप में मिशेल कीगन अदील अख्तर डीएस कीर्स के रूप में जो बर्केट के रूप में रिचर्ड आर्मिटेज जूडिथ बर्केट के रूप में जोआना लुमली मार्टी मैग्रेगर के रूप में डिनो फैट्सचर शेन टेसियर के रूप में एम एड जे स्कैनलान एलेक्सेंडर डोसमैन के रूप में जो आर्मस्ट्रॉन्ग एडी वॉकर के रूप में मार्कस गर्वे निकोल बटलर के रूप में जैड अनोका, एबी वॉकर के रूप में डैनिया ग्रिवर एंथनी होवेल क्रिस्टोफर स्वैन के रूप में कोरी रूजिंसकी के रूप में लॉरी किनास्टोन कैरोलीन बर्केट के रूप में हैटी मोराहन नील बर्केट के रूप में जेम्स नॉर्थकोट क्लेयर वॉकर के रूप में नेटली एंडरसन डैनियल वॉकर के रूप में डैनियल बर्ट क्रेगे एल्स कोच फिल के रूप में इजाबेला के रूप में नतालिया कोस्त्रजिवा ईवा फिन के रूप में एडेल लियोन्स एपिसोड्स नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज दिनांक तीन वन प्रकरण एक डेविड मूर डैनी ब्रॉकलेहर्स्ट एक जनवरी 2024 हज़ार चौबीस दो कड़ी दो डेविड मूर डैनी ब्रॉकलेहर्स्ट एक जनवरी 2024 हजार चौबीस <laughs> तीन एपिसोड तीन डेविड मूर चार्लोट कोबेन एक जनवरी 2024 हजार चौबीस चार एपिसोड चार निमर रशीद येमी ओएफओ एक जनवरी 2024 हजार चौबीस पांच एपिसोड पांच निमर रशीद नीना मेटिवियर एक जनवरी 2024 छह एपिसोड छह निमर रशीद टॉम फैरेली एक जनवरी 2024 हज़ार चौबीस सात एपिसोड सात डेविड मूर डैनी ब्रॉकलेहर्स्ट एक जनवरी 2024 हज़ार चौबीस आठ एपिसोड आठ डेविड मूर डैनी ब्रॉकलेहर्स्ट एक जनवरी 2024 हजार चौबीस उत्पादन विकास उपन्यास की अमेरिकी सेटिंग के विपरीत ये श्रृंखला यूनाइटेड किंगडम पर आधारित है कोबेन जिन्होंने श्रृंखला बनाई शो के कार्यकारी निर्माता थे यह नेटफ्लिक्स द्वारा कोबेन के काम के कई रूपांतरणों में से एक है चार डेनी ब्रॉकलेहर्स्ट मुख्य लेखक और कार्यकारी निर्माता थे और निकोला शिंडलर और रिचर्ड फीक्वे स्ट्रीट प्रोडक्शंस के कार्यकारी निर्माता थे एपिसोड का निर्देशन डेविड मूर और निमर राशिद ने किया था पाँच फिल्मांकन फरवरी 2023 में मैनचेस्टर इंग्लैंड में फिल्मांकन शुरू हुआ छह और उत्तर पश्चिम में अन्य स्थानों पर सात स्पेन में अतिरिक्त फ़िल्मांकन के साथ उत्पादन अगस्त 2023 में पूरा हुआ आठ रिलीज ये श्रृंखला 1 जनवरी 2024 से दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है नाइन फूल मी वंस ने आठ एपिसोड जारी किए दस स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमैटोज ने आठ आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर पाँच दशमलव नौ दस की औसत रेटिंग के साथ पचहत्तर प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी मिशेल कीगन जन्म तीन जून उन्नीस सौ सतासी एक, एक अंग्रेज़ी अभिनेत्री हैं जिन्हें आईटीवी सोप ओपेरा कॉरोनेशन स्ट्रीट में टीना मैकिंटायर और बीबीसी ड्रामा सीरीज अवर गर्ल में साजेंट जॉर्जी लेन की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है कीगन ने बीबीसी वन नाटक ऑर्डिनरी लाइज में ट्रेसी शॉक्रॉस बायोपिक टीना और बॉबी में टीना मूर और स्काई मैक्स कॉमेडी ब्रैसिक में एरिन क्रॉफ्ट के रूप में भी अभिनय किया प्रारंभिक जीवन कीगन का जन्म स्टॉकपोर्ट में माइकल कीगन और जैकी टनर के घर हुआ था उनकी परदादी एक जिब्राल्टेरियन थीं जिन्होंने जिब्राल्टर में तैनात एक ब्रिटिश सैनिक से शादी की थी और उनके पास उनके सात बार के परदादा से दूर इतालवी वंशावली भी है जो जिनोआ से जिब्राल्टर चले गए थे उसके पास अपने पिता की ओर से आयरिश वंशावली है दो तीन चार पाँच उन्होंने मैनचेस्टर के पास एकलस में सेंट पैट्रिक आरसी हाई स्कूल, छः और बाद में मैनचेस्टर स्कूल ऑफ एक्टिंग में पढ़ाई की साथ उन्होंने ट्रैफ़र्ड सेंटर में सेल्फ्रिज और मैनचेस्टर हवाई अड्डे पर चैक इन एजेंट के रूप में काम किया आठ करियर 2007 के अंत में अपने दूसरे ऑडिशन में कीगन को कॉरोनेशन स्ट्रीट में टीना मैकिंटायर की भूमिका की पेशकश की गई और उन्होंने ऑडिशन देने वाले लगभग 900 अन्य लोगों को पछाड़ते हुए इस भूमिका को स्वीकार कर लिया आठ उन्होंने 2013 में छह साल बाद शो छोड़ने का फ़ैसला किया और टीना की हत्या कर दी गई 2 जून 2014 को उनकी आखिरी उपस्थिति हुई नौ एक शून्य एक एक शो में अपने पूरे समय के दौरान कीगन का किरदार टीना दिखाई दिया कई हाई प्रोफाइल कहानियां द गार्जियन ने उन्हें 2010 में अब तक के 10 सर्वश्रेष्ठ कॉरोनेशन स्ट्रीट पात्रों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया बारह दो हज़ार आठ में अभिनेत्री सीधे टू डीवीडी फ़िल्म कॉरोनेशन स्ट्रीट आउट ऑफ अफ़्रीका ए कॉरोनेशन की शूटिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका चली गई स्ट्रीट स्पिन ऑफ जिसमें वो टीना के रूप में दिखाई दी जून 2009 में कीगन ने बीबीसी रेडियो एक कार्यक्रम द ऑफिशियल चार्ट की सह मेजबानी करते हुए अपना रेडियो डेब्यू किया आठ उन्हें जनवरी 2011 में एफएचएम पत्रिका के कवर पर दिखाया गया था और 2010 और 2011 के सौ सबसे सेक्सी महिलाओं के सर्वेक्षण में उन्हें क्रमशः 30 और 26वें स्थान पर रखा गया था वो मार्च 2013 में फिर से उनके कवर पर दिखाई दी और 2013 के सर्वेक्षण में चौथे नंबर पर रहीं अंततः 2015 में जीत हासिल की तेरह दो में कीगन कीगन ने 2009 ईस्टर विशेष रेड डवाफ बैक टू अर्थ में अतिथि भूमिका निभाई जून 2014 में वो पीटर पैन में टिंकरबेल के रूप में प्रदर्शन करने के लिए यूरोपीय दौरे पर निकलीं चौदह बेहतर स्रोत की आवश्यकता 2015 में उन्हें बीबीसी टेलीविजन ड्रामा सीरीज ऑर्डिनरी लाइज में ट्रेसी शॉक्रॉस के रूप में लिया गया था जून 2015 में ये घोषणा की गई थी कि वह बीबीसी ड्रामा सीरीज़ अवर गर्ल की सीरीज़ दो में कॉपोरल जॉर्जी लेन की मुख्य भूमिका निभाएंगी जो पूरे सितंबर 2016 में प्रसारित हुई एक पाँच एक छ एक दो एपिसोड वाले तीसरे सीजन का प्रसारण अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ वह 2020 में जॉर्जी के रूप में अपनी अंतिम सीरीज़ के लिए लौटी इसके अलावा 2016 में कीगन को आईटीवी दो कॉमेडी सीरीज़ प्लैब्स में एक अतिथि भूमिका मिली 17-18 जून 2016 में उन्होंने टीना डीन और बॉबी मूर के रिश्ते पर आधारित आईटीवी नाटक श्रृंखला टीना और बॉबी का फिल्मांकन शुरू किया जिसमें उन्होंने टीना की भूमिका निभाई ये तीन भाग की श्रृंखला थी जो जनवरी 2017 में प्रसारित हुई 19 2017 में मिशेल कीगन ने अपने स्वयं के संग्रह के साथ कपडों के ब्रांड लिप्सी के साथ साझेदारी की 20 कीगन ने स्काई वन की कॉमेडी ड्रामा सीरीज ब्रेसिक में मुख्य किरदार एरन क्रॉफ्ट की भूमिका निभाई जो 2019 में शुरू हुई दो एक दो दो फरवरी दो फरवरी 2022 को कीगन रूपॉल की ड्रैग रेस के स्नैच गेम एपिसोड में अतिथि न्यायाधीश थे यूके बनाम विश्व तेईस मई दो हज़ार बाईस में बीबीसी और एसटीएएन ने कीगन अभिनीत एक नई श्रृंखला टेन पाउंड पोम्स शुरू की जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए ब्रिटिश नागरिकों के बारे में एक नाटक था जिसके कुछ ही समय बाद ऑस्ट्रेलिया में फिल्मांकन शुरू हुआ चौबीस कीगन ने दो हज़ार चौबीस की आठ भाग वाली टेलीविजन श्रृंखला फूलमी वंस में प्रमुख किरदार स्टर्न के रूप में अभिनय किया जो डैनी ब्रॉकलेहर्स्ट के इसी नाम के 2016 के हरलान कोबेन उपन्यास से अनुकूलित थी और क्वे स्ट्रीट प्रोडक्शन द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई थी 25 व्यक्तिगत जीवन कीगन दिसंबर 2010 से द वांटेड गायक मैक्स जॉर्ज के साथ रिश्ते में थे जून 2011 दो में दोनों की सगाई हो गई लेकिन अगले साल उनका रिश्ता खत्म हो गया छब्बीस सत्ताईस सितंबर 2013 में नौ महीने की प्रेमलाप के बाद अभिनेत्री ने मार्क राइट के साथ अपनी सगाई की घोषणा की उन्होंने 24 मई 2015 को शादी की अट्ठाईस उनतीस फिल्मोग्राफी टेलीविजन और फिल्म भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। हजार आठ राजतिलक गली टीना मैकिंटायर नियमित भूमिका 861 एपिसोड 2008 हज़ार आठ कॉरोनेशन स्ट्रीट अफ्रीका से बाहर टीना मैकेटायर डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म कैमियो उपस्थिति 2009 लाल बोना पृथ्वी पर वापस स्वयं भाग तीन 2013 लेमन ला विदा लोका स्वयं एपिसोड कीत का जन्मदिन 2015 साधारण झूठ ट्रेसी शॉक्रॉस मुख्य भूमिका 2016 नशे का इतिहास महारानी एलिजाबेथ प्रथम एपिसोड दो दशमलव एक 2016-2020 हमारी लड़की लांस कॉपोरल जॉर्जी लेन मुख्य भूमिका श्रृंखला दो चार दो हजार सोलह प्लीब्स उर्सुला एपिसोड द वेस्टल 2016 क्रिस्टल भूल भूलया स्वयं प्रतियोगी सेलिब्रिटी स्टैंड अप टू कैंसर स्पेशल 2016 2017 टीना और बॉबी टीना मूर मुख्य भूमिका 2017 नशे का इतिहास मैरी स्कॉट्स की रानी एपिसोड दो दशमलव तीन दो हज़ार सत्रह कीथ एंड पैडी पिक्चर शो राजकुमारी लिया एपिसोड स्टार वार्ज रिटर्न ऑफ द जेडी दो हज़ार अठारह आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं स्वयं एक एपिसोड दो हजार अठारह अजीब रास्ते हम यहाँ आते हैं डेमी पतली परत दो हजार उन्नीस वर्तमान ब्रासिक एरिन क्रॉफ्ट मुख्य भूमिका 2022 ट्वेंटी रूपॉल की ड्रैग रेस यूके बनाम द वर्ल्ड स्वयं अतिथि न्यायाधीश 30 2023 10 तेईस दस पोम्स कैट मुख्य भूमिका 24 दो हजार चौबीस एक बार मुझे बेवकूफ बनाओ माया मुख्य भूमिका इकतीस बत्तीस स्टेज वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां दो हजार चौदह दो हजार पंद्रह पीटर पैंट ठठेरा घंटी यूरोपीय दौरा पुरस्कार और नामांकन मिशेल कीगन जन्म 3 जून उन्नीस सौ सतासी एक, एक अंग्रेज़ी अभिनेत्री हैं जिन्हें आईटीवी सोप ओपेरा कॉरोनेशन स्ट्रीट में टीना मैकिनटायर और बीबीसी ड्रामा सीरीज़ अवर गर्ल में साजेंट जॉर्जी लेन की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है कीगन ने बीबीसी वन नाटक ऑर्डिनरी लाइज में ट्रेसी शॉक क्रॉस बायोपिक टीना और बॉबी में टीना मूर और स्काई मैक्स कॉमेडी ब्रासिक में एरन क्रॉफ्ट के रूप में भी अभिनय किया प्रारंभिक जीवन कीगन का जन्म स्टॉकपोर्ट में माइकल कीगन और जैकी टनर के घर हुआ था उनकी परदादी एक जिब्राल्टेरियन थीं जिन्होंने जिब्राल्टर में तैनात एक ब्रिटिश सैनिक से शादी की थी और उनके पास उनके सात बार के परदादा से दूर इतालवी वंशावली भी है जो जिनोआ से जिब्राल्टर चले गए थे उसके पास अपने पिता की ओर से आयरिश वंशावली है दो तीन चार पाँच उन्होंने मैनचेस्टर के पास एकलैस में सेंट पैट्रिक आरसी हाई स्कूल, छः और बाद में मैनचेस्टर स्कूल ऑफ एक्टिंग में पढ़ाई की साथ उन्होंने ट्रैफर्ड सेंटर में सेल्फ्रिज और मैनचेस्टर हवाई अड्डे पर चैक इन एजेंट के रूप में काम किया आठ करियर 2007 के अंत में अपने दूसरे ऑडिशन में कीगन को कॉरोनेशन स्ट्रीट में टीना मैकिंटायर की भूमिका की पेशकश की गई और उन्होंने ऑडिशन देने वाले लगभग 900 अन्य लोगों को पछाड़ते हुए इस भूमिका को स्वीकार कर लिया आठ उन्होंने 2013 में छह साल बाद शो छोड़ने का फ़ैसला किया और टीना की हत्या कर दी गई 2 जून 2014 को उनकी आखिरी उपस्थिति हुई नौ एक शून्य एक एक शो में अपने पूरे समय के दौरान कीगन का किरदार टीना दिखाई दिया कई हाई प्रोफाइल कहानियां द गार्जियन ने उन्हें 2010 में अब तक के 10 सर्वश्रेष्ठ कॉरोनेशन स्ट्रीट पात्रों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया 12 2008 में अभिनेत्री सीधे टू डीवीडी फिल्म कॉरोनेशन स्ट्रीट आउट ऑफ अफ्रीका ए कॉरोनेशन की शूटिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका चली गई स्ट्रीट स्पिन ऑफ जिसमें वह टीना के रूप में दिखाई दी जून 2009 में कीगन ने बीबीसी रेडियो एक कार्यक्रम द ऑफ़िशियल चार्ट की सह मेजबानी करते हुए अपना रेडियो डेब्यू किया आठ उन्हें जनवरी 2011 में एफएचएम पत्रिका के कवर पर दिखाया गया था और 2010 और 2011 के सौ सबसे सेक्सी महिलाओं के सर्वेक्षण में उन्हें क्रमशः 30 और 26वें स्थान पर रखा गया था वो मार्च 2013 में फिर से उनके कवर पर दिखाई दी और 2013 के सर्वेक्षण में चौथे नंबर पर रहीं अंततः 2015 में जीत हासिल की तेरह 2012 में कीगन कीगन ने 2009 हजार ईस्टर विशेष रेड ड्वार्फ बैक टू अर्थ में अतिथि भूमिका निभाई जून 2014 में वो पीटर पैन में टिंकरबेल के रूप में प्रदर्शन करने के लिए यूरोपीय दौरे पर निकली चौदह बेहतर स्रोत की आवश्यकता 2015 में उन्हें बीबीसी टेलीविज़न ड्रामा सीरीज ऑर्डिनरी लाइज में ट्रेसी शॉक्रॉस के रूप में लिया गया था जून 2015 में ये घोषणा की गई थी कि वह बीबीसी ड्रामा सीरीज अवर गर्ल की सीरीज़ दो में कॉपोरल जॉर्जी लेन की मुख्य भूमिका निभाएंगी जो पूरे सितंबर 2016 में प्रसारित हुई एक पाँच एक छह एक दो एपिसोड वाले तीसरे सीजन का प्रसारण अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ वह 2020 में जॉर्जी के रूप में अपनी अंतिम सीरीज के लिए लौटी इसके अलावा 2016 में कीगन को आईटीवी दो कॉमेडी सीरीज प्लैब्स में एक अतिथि भूमिका मिली 17 17-18 जून 2016 में उन्होंने टीना डीन और बॉबी मूर के रिश्ते पर आधारित आईटीवी नाटक श्रृंखला टीना और बॉबी का फिल्मांकन शुरू किया जिसमें उन्होंने टीना की भूमिका निभाई ये तीन भाग की श्रृंखला थी जो जनवरी 2017 में प्रसारित हुई उन्नीस दो में मिशेल कीगन ने अपने स्वयं के संग्रह के साथ कपड़ों के ब्रांड लिप्सी के साथ साझेदारी की 20 कीगन ने स्काई वन की कॉमेडी ड्रामा सीरीज ब्रेसिक में मुख्य किरदार एरन क्रॉफ्ट की भूमिका निभाई जो 2019 में शुरू हुई दो एक दो दो फरवरी दो, 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 दो को कीगन रूपॉल की ड्रैग रेस के स्नैच गेम एपिसोड में अतिथि न्यायाधीश थे यूके बनाम विश्व 23 मई 2022 में बीबीसी और एसटीएएन ने कीगन अभिनीत एक नई श्रृंखला टेन पाउंड पोम्स शुरू की जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए ब्रिटिश नागरिकों के बारे में एक नाटक था जिसके कुछ ही समय बाद ऑस्ट्रेलिया में फिल्मांकन शुरू हुआ चौबीस कीगन ने 2024 की आठ भाग वाली टेलीविजन श्रृंखला मी वंस में प्रमुख किरदार माया स्टर्न के रूप में अभिनय किया जो डैनी ब्रॉकलेहस्ट के इसी नाम के 2016 के हरलान कोबेन उपन्यास से अनुकूलित थी और क्वेस्ट्रीट प्रोडक्शन द्वारा नेटफ़्लिक्स के लिए बनाई गई थी 25. व्यक्तिगत जीवन कीगन दिसंबर 2010 से द वांटेड गायक मैक्स जॉर्ज के साथ रिश्ते में थे जून 2011 में दोनों की सगाई हो गई लेकिन अगले साल उनका रिश्ता खत्म हो गया 26 सत्ताईस सितंबर 2013 में नौ महीने की प्रेमलाप के बाद अभिनेत्री ने मार्क राइट के साथ अपनी सगाई की घोषणा की उन्होंने 24 मई 2015 को शादी की अट्ठाईस उनतीस फिल्मोग्राफी टेलीविज़न और फिल्म भूमिकाएं, वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2008-2014 राजतिलक गली टीना मैकिंटायर नियमित भूमिका 861 एपिसोड 2008 हजार स्ट्रीट अफ्रीका से बाहर टीना मैकिंटायर डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म कैमियो उपस्थिति 2009 लाल बोना पृथ्वी पर वापस स्वयं भाग तीन 2013 हजार लेमन ला विदा लोका स्वयं एपिसोड कीत का जन्मदिन 2015 साधारण झूठ ट्रेसी शॉक्रॉस मुख्य भूमिका 2016 नशे का इतिहास महारानी एलिजाबेथ प्रथम एपिसोड 2.1 2016 2020 हमारी लड़की लांस कॉपोरल जॉर्जी लेन मुख्य भूमिका श्रृंखला दो चार दो हजार सोलह प्लीब्स उर्सुला एपिसोड द वेस्टल 2016 क्रिस्टल भूल स्वयं प्रतियोगी सेलिब्रिटी स्टैंड अप टू कैंसर स्पेशल 2016, 2017 टीना और बॉबी टीना मूर मुख्य भूमिका 2017 नशे का इतिहास मैरी स्कॉट्स की रानी एपिसोड दो दशमलव तीन दोस्तों आपने जाना फुलिस की एक ब्रिटिश मूवी है जो आठ पार्ट आ चुके हैं जो स्ट्रीट प्रोडक्शन द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गयी है जिसमें डेनी ब्रॉकहेल्स्टर और और इसी नाम से 2016 में हर हाथ कोवेन उपन्यास से इसे लिया गया है दोस्तों इसका प्रीमियर 1 जनवरी 2024 को अभी हाल ही में इसी मंथ में 2024 में नेटफ्लिक्स पर हुआ था और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आ, इसे अपनी रीजनल लैंग्वेज में देख सकते हैं तो दोस्तों अब इसके कास्ट के बारे में और इसकी थोड़ी सी डिटेल और जान लेते हैं उसके बारे में जानकर ने की और डिटेल में कोशिश करते हैं और आपको इसके में मूवी का सार भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं डेनी ब्रॉकलेहस्ट जन्म जून उन्नीस एक अंग्रेजी पटकथा लेखक नाटककार और पूर्व पत्रकार हैं उन्होंने बाफ्टा और रॉयल टेलीविजन सोसाइटी दोनों लेखन पुरस्कार जीते हैं उन्हें ब्रॉडकास्ट पत्रिका हॉट सॉ दो के लेखकों के अनुभाग में चित्रित किया गया था उनकी स्काई कॉमेडी ब्रेसिक में किसी भी यूके कॉमेडी की तुलना में दर्शकों की सराहना का स्कोर सबसे अधिक है प्रारंभिक जीवन हर्स्ट का जन्म जून 1971 में हाइड में हुआ था उन्होंने कई वर्षों तक एक पत्रकार के रूप में काम किया द गार्जियन सिटी लाइफ और मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के लिए फ्रीलांसिंग की जबकि द बिग इश्यू के लिए एक वरिष्ठ फीचर लेखक के रूप में काम किया एक लेखन टेलीविज़न कार्य ब्रॉकलेहर्स्ट ने पूर्णकालिक पटकथा लेखक बनने के लिए पत्रकारिता छोड़ दी दो उन्होंने टोनी मचेंट, जिमी मैगवन और एलन ब्लिसडेल को अपनी लेखन प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया 2010 में क्रिएटिव टाइम्स फीचर में उन्होंने लिखा था कि अवर फ्रेंड्स इन द नॉर्थ उनका सर्वकालिक पसंदीदा नाटक था उन्होंने बाफ्टा पुरस्कार विजेता श्रृंखला क्लॉकिंग ऑफ के साथ साथ बीबीसी की दो भाग वाली फिल्म द स्ट्रेटफोर्ड वाइव्स के कई एपिसोड लिखे शैमलेस के साथ उन्होंने श्रृंखला एक के लिए बाफ्टा जीता पॉल एबॉट के साथ श्रृंखला दो का सह लेखन किया और श्रृंखला तीन के मुख्य लेखक बन गए वह चौथी श्रृंखला से पहले चले गए उनकी श्रृंखला ह्यूगो ह्यूगोस्पियर अभिनीत बीबीसी पोस्टल ड्रामा 2006 में प्रसारित हुई 2007 में ब्रॉक्लेहर्स्ट ने निर्माता हाबर पिक्चर्स के लिए फादर्स चार जस्टिस अभियान के बारे में एक फिल्म लिखी जबकि उनकी कंपनी पिक्चर्स ने चार भाग वाले आईटीवी नाटक टॉक टू मी का निर्माण किया जिसमें मैक्स बेस्ली लोरा फ्रेजर एड्रियन बोवर केट एशफील्ड और एम्मा पियर्सन ने अभिनय किया उन्होंने जिमी मैगवन की द स्ट्रीट और बीबीसी वन के लिए अपने नए अपराध नाटक एक्सेस्ट दोनों के एपिसोड लिखे हैं 2011 में उन्होंने जॉन सिमर और जिम ब्रॉडबेंट अभिनीत तीन भाग वाला बीबीसी नाटक एक्साइल लिखा इसे औसतन पांच, पांच मिलियन दर्शक और नब्बे प्रतिशत दर्शक प्रशंसा स्कोर प्राप्त हुआ 2011 में ये घोषणा की गई थी कि ब्रॉकलेहर्स्ट एक नया हेचबीओ नाटक डर्टी लिखेंगे जिसका निर्देशन एंड्रिया अर्नोल्ड के साथ होगा तीन ये परियोजना अब शेरोन होगन और अमेजन के साथ विकसित की जा रही है अगस्त 2013 में बीबीसी वन ने ब्रॉकलेहस्ट द्वारा लिखित एक नए नाटक ऑर्डिनरी लाइज की घोषणा की डेविड मॉरिसी अभिनीत द ड्राइवर की घोषणा जनवरी 2014 में की गई थी यह एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में तीन भाग का नाटक है जो एक अपराधी के लिए ड्राइविंग का काम लेता है चार बीबीसी वन पर दिखाए गए इसमें इयान हॉट क्लाउडी ब्लेकली और कोल्म मिनी ने सह अभिनय किया इसे जिम पॉयसर द्वारा सह निर्मित किया गया था और रेड प्रोडक्शंस और हाईफील्ड पिक्चर्स द्वारा बनाया गया था जनवरी 2015 में यूएस नेटवर्क शोटाइम ने घोषणा की कि वे नाटक का रीमेक विकसित कर रहे हैं एचबीओ ने फरवरी 2014 में ए टीचर नामक एक परियोजना की घोषणा की जिसे ब्रॉकलेहर्स्ट और हन्ना फिडेल द्वारा सह लिखित और कार्यकारी मार्क डुप्लास द्वारा निर्मित किया जाएगा ये शो शिक्षक छात्र संबंधों के बारे में एक नाटक जो इसी नाम की फिल्म पर आधारित है एचबीओ द्वारा नहीं बनाया गया था इसे एफ द्वारा उठाया गया है 2017 में नेटफ्लिक्स ने माइकल सी हॉल अभिनीत सेफ बनाई जिसे ब्रॉकलेहर्स्ट और हरलान कोबेन ने लिखा था पांच छः कम होम एक तीन भाग वाला बीबीसी नाटक अप्रैल 2018 में प्रसारित हुआ जिसमें क्रिस्टोफर एकलेस्टन और पाउला मैलकम्सन ने अभिनय किया द स्ट्रेंजर कोबेन के साथ सहलिखित जनवरी 2020 में नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ जिसमें रिचर्ड आर्मिटेज स्टीफन री और जेनिफर सॉन्डर्ज ने अभिनय किया सात ब्रेसिक की पहली श्रृंखला का प्रीमियर 2019 में स्काई पर हुआ और इसे दो अतिरिक्त श्रृंखलाओं के लिए नवीनीकृत किया गया है 2012 के बाद से यह स्काई की सबसे सफल कॉमेडी है उनकी नेटफ़्लिक्स सीरीज स्टे क्लोज 2022 की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली यूके सीरीज़ थी मई 2022 में बीबीसी और एसटीएएन ने ब्रॉकलेहस्ट द्वारा बनाई गई एक नई श्रृंखला टेन पाउंड पोम्स की शुरुआत की जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए ब्रिटिश नागरिकों के बारे में एक नाटक था जिसके कुछ ही समय बाद ऑस्ट्रेलिया में फ़िल्मांकन शुरू हुआ फिल्म फिल्म में उन्होंने विटब्रेड नामांकित बुद्धदा जिमी बुद्धा के रूप में को रूपांतरित किया और स्टूडियो कैनाल के लिए द रेलवे चिल्ड्रन रिटर्न लिखा जो 1970 की फ़िल्म द रेलवे चिल्ड्रन की अगली कड़ी थी जो ई नेस्बिट उपन्यास पर आधारित थी आठ रंगमंच ब्रॉकलेहस्ट ने तीन पुरस्कार विजेता नाटक माई एट टाइम्स टेबल नोबडी एंड लोडेड रेडियो फोर में स्थानांतरित लिखे हैं साथ ही वे वेस्ट एंड और नेशनल टूरिंग म्यूजिकल नेवर फॉगैट के कहानी सलाहकार और पुस्तक सह लेखक भी हैं नाइन दस उनका नाटक कैजुअल टाइज 2014 में रॉयल एक्सचेंज हिट रहा यह आधुनिक रिश्तों का एक विच्छेदन है रेडियो ब्रॉकलेहर्स्ट ने रेडियो के लिए विस्तार से लिखा है उनकी पुलिस सीरीज स्टोन नौवीं सीरीज है इसमें ह्यूगो ह्यूगोस्पियर ने जासूस इंस्पेक्टर जॉन स्टोन की भूमिका निभाई है और प्रत्येक एपिसोड में एक नैतिक रूप से जटिल अपराध दिखाया गया है इसे किरकिरा दार्जियन हार्ड हिटिंग द टाइम्स और एक तरह से यथार्थवादी रेडियो नाटक शायद ही कभी होता है द ऑब्जर्वर के रूप में वर्णित किया गया है उन्होंने 1980 के दशक में थेचर की पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश नीति के बारे में एक नाटक लिखा द एंड ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक थरिलर जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया है किसी का भी अस्तित्व नहीं रहा लालच की एक ऑस्ट्रेलियाई सेट परीक्षा लोडेड और एक अस्सी के बारे में एक एकल नाटक एक वर्षीय महिला जो क्रूर हत्याओं की एक श्रृंखला स्वीकार करती है मैरी शेन वो रेडियो चार और पांच लाइव पर नियमित कमेंटेटर के रूप में दिखाई दिए हैं ब्रॉकलेहर्स्ट ने पॉडकास्ट एक्सटेसी, द बैटल ऑफ रेव लिखा जिसमें डेविड मॉरिसी, मोनिका डोलन इयान हॉट मीरा सयाल और एड एद एडमसन शामिल हैं यह आधा नाटक आधा वृत्तचित्र है ग्यारह संगीत 2013 में ब्रॉकलेहस्ट ने मिंट रॉयल गीत रिंग का सहलेखन किया फिल्मोग्राफी उत्पादन एपिसोड ब्रॉडकास्ट घड़ी बंद श्रृंखला दो चार पाँच एपिसोड 2001 हजार एक टू थाउजेंड थ्री बाफ्टा नामांकन बीबीसी वन लिंडा ग्रीन तीन एपिसोड 2001 हजार एक टू थाउजेंड टू बीबीसी वन स्ट्रेटफोर्ड पत्नियां टीवी मूवी 2002 हजार दो बीबीसी वन बेशम श्रृंखला एक तीन आठ एपिसोड 2004 हजार चार टू थाउजेंड सिक्स बाफ्टा विजेता चैनल चार क्रमबद्ध चार एपिसोड 2006 मुझसे बात करो निर्माता 2007 हजार सात आईटीवी सड़क एक एपिसोड 2007 हजार सात बीबीसी वन बेशम एक एपिसोड 2011 हजार ग्यारह शो टाइम शादी के बाद का जीवन एबीसी आरोपी दो एपिसोड 2010 हजार दस ट्वेंटी ट्वेल्व अभियुक्त दो बाफ्टा नामांकन सर्वश्रेष्ठ मिनी सीरीज अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज बीबीसी वन निर्वासन तीन एपिसोड 2011 हजार बाफ्टा नामांकन बीबीसी वन चालक निर्माता लेखक 2014 हजार चौदह आर टी एस सर्वश्रेष्ठ नाटक नामांकन बीबीसी वन साधारण झूठ निर्माता लेखक 2015 हजार पन्द्रह ट्वेंटी सिक्सटीन बीबीसी वन पांच लेखक दो हजार सोलह स्काई वन नेटफ्लिक्स अंधेरे में निर्माता लेखक दो हजार सत्रह बीबीसी वन सुरक्षित निर्माता लेखक 2018 नेटफ्लिक्स घर आना निर्माता लेखक 2018 आरटीएस सर्वश्रेष्ठ लेखक और सर्वश्रेष्ठ नाटक पुरस्कार के विजेता अदील अख्तर जन्म 18 सितंबर 1980 एक ब्रिटिश अभिनेता हैं 2017 में उन्होंने मडर्ड बाय माय फादर में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीता चैनल चार के यूटोपिया में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए बाफ्टा के लिए नामांकित किया गया था साथ ही अली एंड अवा के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश अकादमी फ़िल्म पुरस्कार नामांकन के लिए भी नामांकित किया गया था अख्तर को बीबीसी वन के शेरवुड में उनके प्रदर्शन के लिए आलो चकों की प्रशंसा मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार मिला प्रारंभिक जीवन अख्तर का जन्म लंदन में एक पाकिस्तानी पिता और एक केन्याई मां के घर हुआ था उन्होंने उन्नीस से उन्नीस तक चेल्टनहैम कॉलेज एक जूनियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और फिर उन्नीस से उन्नीस तक न्यूक हाउस में चेल्टनहैम कॉलेज चले गए उन्होंने मूल रूप से 2002 में ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री पूरी की लेकिन अपने जुनून का पालन करने का फ़ैसला किया और अभिनय में बदलाव एक्टर्स स्टूडियो ड्रामा स्कूल में प्रशिक्षण फिर न्यूयॉर्क में द न्यू स्कूल में प्रशिक्षण दो करियर अख्तर की पहली प्रमुख भूमिका क्रिस मॉरिस की फ़िल्म फ़ोर लायंस में बड़बोले मुस्लिम चरमपंथी फ़ैसल के रूप में थी तीन अन्य हास्य प्रदर्शनों में द एंजेलोस एपिथेमियो शो में गुप्ता चार द डिक्टेटर में मारोश चार और जो राइट के पैन में स्मी शामिल हैं पाँच अख्तर ने अपने नाटकीय प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसा हासिल की है 2015 में उन्हें चैनल चार के यूटोपिया पर विल्सन विल्सन के रूप में 2014 की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए बाफ़्टा के लिए नामांकित किया गया था छह उन्होंने बीबीसी मिनी सीरीज कैपिटल में टोबी जोन्स के साथ दुकानदार अहमद की भूमिका निभाई सात और बीबीसी की रिवर में डीएस किंग की भूमिका निभाई आठ द डेली टेलीग्राफ में रिवर की समीक्षा करते हुए माइकल होगन ने लिखा ये श्रृंखला अभी मॉगन द्वारा खूबसूरती से लिखी गई थी स्टाई लिश ढंग से निर्देशित की गई थी और सबसे बढ़कर शानदार अभिनय किया गया था शांत कम दिखावटी सहायक खिलाड़ी भी चमके सिर्फ दिग्गज ही नहीं लेकिन नए चेहरे अदील अख्तर रिवर के बेहद धैर्यवान साथी के रूप में और जॉर्जिना रिच उसके मनोचिकित्सक के रूप में नौ 2016 में अख्तर बीबीसी के एक बार के नाटक मदद बाय माय फादर में शहज़ाद के रूप में दिखाई दिए इस भूमिका के लिए उन्होंने मुख्य अभिनेता का 2017 बाफ्टा पुरस्कार जीता दस ऐसा करने वाले पहले गैर श्वेत अभिनेता 2017 में उन्होंने अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द बिग सिक में भी भाग लिया जिसमें नायक के भाई नावेद की भूमिका निभाई ग्यारह व जॉन ले कैरे की द नाइट मैनेजर पर आधारित प्रशंसित बीबीसी लघु श्रृंखला में रॉब सिंघल के रूप में दिखाई दिए बारह ट्वेंटी में अख्तर डेजी हैगार्ड और लोरा सोलोन द्वारा लिखित बीबीसी थरी सीरीज बैक टू लाइफ में बिली के रूप में दिखाई दिए 2021 में दूसरी सीरीज के लिए वापसी की तेरह फिल्मोग्राफी चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2002 आइए रोल करें उड़ान तिरानवे की कहानी अपहरणकर्ता सईद अल 2008 गद्दार हमजी 2010 हज़ार दस चार शेर फैसल दो हज़ार दस अजनबी चीजें आदमी दो हज़ार बारह 2013 जादू दो हज़ार तेरह जादूविनोद दो हजार तेरह सुविधाशान दो हजार चौदह युद्ध पुस्तक एमो दो हजार कड़ाही स्मी दो हजार सत्रह बड़ा बीमार नवीद 2017 विक्टोरिया और अब्दुल मोहम्मद बख्श 2018 पुरुषों के साथ तैराकी कट 2019 मर्डर मिस्ट्री महाराजा विक्रम गोविंदन 2020 आशियाना स्टीव 2020 एनोला होम्स इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड 2021 अली और अवा अली नामांकित मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2021 हर कोई जेमी के बारे में बात कर रहा है ईमान मसूद 2021 लुई वेन का विद्युत जीवन डैन राइडर 2022 सिनेमा बचाओ मेयर टॉम 2022 हजार बाईस एनोला होम्स दो इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड 2023 हजार तेईस मर्डर मिस्ट्री दो महाराजा चौदह टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2006 कानून एवं व्यवस्था आपराधिक इरादा हाजिम एपिसोड गुड़ियाघर 2006 दृढ़ विश्वास दर्पण बैनर्जी एपिसोड डाउनहिल 2010 एंजेलोस एपिथमियो आगे बढ़ रहा है गुप्ता 2011 आ रहा है हसन एपिसोड हुक्ट 2013 2014 जॉब लॉर्ड जॉर्ज 2013 ट्रॉली किया गया रे श्रृंखला तीन आर्मिटेज रिचर्ड तीन पर आधारित एक नाटक में अभिनय करने की उम्मीद कर रहा था आर्मिटेज का जन्म बोसवत फील्ड की लड़ाई की सालगिरह पर हुआ था जहां रिचर्ड तीन मारा गया था और उसने कहा था मेरा मानना है कि यह एक महान कहानी है एक सामाजिक राजनीतिक थरिल एक प्रेम कहानी और एक वंशवादी त्रासदी है 105 उनका मानना है कि कहानी में 20 एपिसोड की लघु श्रृंखला के रूप में बताई जाने की क्षमता है एक स्क्रिप्ट 2010 से विकास में है और बहुत से लोग रुचि रखते हैं इसे बनाने में लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो इस पर कदम उठाए एक अभिनय शैली आर्मिटेज ने खुद को एक मेथड एक्टर बताया है हाँ मुझे लगता है कि मैं हूँ एक तरह से ये थोड़ा आलसी है क्योंकि इसका मतलब है कि आपको दिखावा नहीं करना है आपको बस विश्वास करना है जितना संभव हो उतना ऐसा होना संभव है मुझे लगता है कि मैं अंदर और बाहर कदम रखता हूँ मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अन्य लोगों से बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपने चरित्र में हूँ लेकिन मैं चरित्र के साथ रहता हूँ हाँ वह हमेशा वहाँ रहता है ये कुछ मैरीन करने जैसा है आप बैठे हैं पूरे समय एक अचार में एक सौ सात उन्होंने जा ना पोर्टल और थोरिन ओकिनशील्ड की भूमिका निभाते हुए सपने देखने की बात भी कही है 108 108-109 हालांकि हाल ही में उन्होंने मेथड एक्टर के लेबल को अस्वीकार कर दिया मुझे लगता है कि मैं एक ध्यान केंद्रित करने वाला अभिनेता हूं। इसलिए एक दिन के दौरान अपना काम करने के लिए विशेष रूप से इस तरह के चरित्र के साथ मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा इसलिए ये दृश्य में बने रहने दृश्य में अपने सिर के साथ रहने के बारे में है और किरदार को अपने पास रखने की कोशिश कर रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बातचीत नहीं का रह सकता या जाकर एक कप कॉफ़ी नहीं बना सकता लेकिन मैं वास्तव में किरदार के साथ अठारह महीने तक रहता हूँ एक वो अक्सर अपने पात्रों में द्वैतवाद के विकास और उसकी ओर आकर्षित होने की बात करते हैं एक सौ छह अगर मुझे नायक की भूमिका की पेशकश की जाती है तो मैं तुरंत भीतर के प्रतिनायक की तलाश करता हूँ मैं हर चीज़ को बाहरी त्वचा और आंतरिक त्वचा के संदर्भ में देखता हूँ एक सौ ग्यारह वह अपने द्वारा निभाए गए पात्रों की संपूर्ण जीवनियों के साथ चरित्र डायरी बनाते हैं मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि मैं अपने किरदार के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करूं जो पूरी यात्रा के लिए उपयोगी हो उनमें से बहुत कुछ गुप्त है और कोई भी उसे पढ़ नहीं पाता है यही मेरे लिए उपयोगी है यदि आप कुछ लंबा खेल रहे हैं दौड़ना और एक भूमिका जिसका भविष्य है प्रारंभिक श्रृंखला से परे ये लगभग वैसा ही है जैसे आपको एक बगीचा लगाना है जिसमें आपको किसी बिंदु पर वापस आना होगा यदि आप जल्दी काम नहीं करते हैं तो ये खराब हो सकता है आप 21. व्यक्तिगत जीवन 2023 में अपनी कामुकता के विषय पर आर्मिटेज ने खुलासा किया कि वो 19 साल की उम्र में अपने परिवार के पास आए थे 112 सौ हालांकि हाल ही में उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने आने के लिए काफ़ी सहज महसूस हुआ फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 1999 स्टार वॉज एपिसोड आई द फैंटम मैनेस नाबू फाइटर पायलट बिना श्रे एक सौ तेरह मंचन डैरिल न्यूमैन लघु फिल्म एक सौ चौदह इस वर्ष का प्यार पार्टी में आत्मसंतुष्ट आदमी 2005 जमा हुआ स्टीवन सैतीस 2011 कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर हैंड क्रूगर 48. 2012 हजार बारह हॉबिट एक अप्रत्याशित यात्रा थोरिन ओकिनिशील्ड दो 2013 हॉबिट स्मॉग की वीरानी दो 2014 द हॉबिट द बैटल ऑफ द फाइव आर्मीज जीते किसी फ़िल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सेटन पुरस्कार दो तूफान में गैरी फुलर बावन द क्रूसिबल जॉन प्रॉक्टर द ओल्ड विक में प्रोडक्शन के लाइव स्टेज प्रदर्शन को कैप्चर करने वाली फिल्म 115। 2015 शहरी और शेड क्रू काटना जीत एनाइफेफ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उनसठ 2016 एलिस थरू द लुकिंग ग्लास राजा ओलेरोन दिमाग में आग टॉम कहलान पचानवे तो दोस्तों एक यूनाइटेड किंगडम की, की वेब सीरीज है जैसा कि आपने जाना इसमें जो एक्ट्रेस है मिशेल किंगन और अदिल अख्तर रिचर्ड आडवेट और जोना लुएम जिसे बड़े बड़े एक्टर थे मार्केस गर्व भी इसमें थे और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार है मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसे देखिएगा और ये 2024 में मैनचेस्टर में मैंचेस्टर इंग्लैंड में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था पश्चिम के वहां वहां और इसके साथ साथ कुछ अलग जगहों पर भी इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था 2023 में लेकिन इसे जल्दी बनाया गया एक जनवरी 2023 को आपको नेटफ्लिक्स पर ये 2024 से एक सॉरी एक जनवरी दो से आपको नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में ये उपलब्ध है इसके ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन आप इसे अपनी रीजनल लैंग्वेज से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और इसके आठ पार्ट हैं और इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं और इसके हमें आपको अच्छे से बताते हैं कि इसमें और क्या-क्या है आपको किस टाइप का मजा आने वाला है और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे तो आपको शुरू करते हैं रिचर्ड क्रिस्पिन आर्मिटेज आर एम ई टी डी जन्म 22 अगस्त 1971 एक अंग्रेजी अभिनेता और लेखक हैं उन्हें ब्रिटिश टेलीविजन कार्यक्रम नॉर्थ एंड साउथ 2004 में जॉन थॉन्टन के रूप में अपनी पहली प्रमुख भूमिका से यूके में पहचान मिली एक द हॉबिट दो के पीटर जैक्सन की फिल्म त्रय रूपांतरण में बोने राजा और नेता थोरिन ओकेशील्ड के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में येल फॉबर के आथर मिलर के द क्रूसिबल के स्टेज प्रोडक्शन में जॉन प्रॉक्टर अमेरिकी टीवी श्रृंखला हैनिबल में फ्रांसिस डोलराहाइड तीन ब्रिटिश टीवी नाटक स्पोक्स में लुकास नॉर्थ चार ब्रिटिश में जॉन पोर्टर शामिल हैं टीवी नाटक स्ट्राइक बैक पांच ईपीआईएक्स जासूसी श्रृंखला बलिन स्टेशन में डैनियल मिलर छह और ब्रिटिश टीवी नाटक रॉबिन हुड में गाई ऑफ गिस्बोन चार उन्होंने कैसलवानिया के नेटफ्लिक्स रूपांतरण में ट्रेवर बेलमोंट को आवाज़ दी 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स मिन सरीज द स्ट्रेंजर में मुख्य भूमिका निभाई लंदन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट लैम्डा से स्नातक होने के बाद आर्मिटेज ने शुरुआत में थिएटर में काम करना चाहा और वो रॉयल शेक्सपियर कंपनी आरएससी के सदस्य थे उन्होंने फ़िल्म और टेलीविज़न भूमिकाओं की ओर रुख किया जब उन्होंने देखा कि प्रमुख मंच भूमिकाएं नामी पहचान वाले अभिनेताओं के पास जाती हैं जो स्थानों को भरने के लिए संरक्षक ला सकते हैं बारह साल दूर रहने और उस नाम की पहचान हासिल करने के बाद आर्मिटेज 2014 में एक प्रमुख प्रोडक्शन में अपनी पहली प्रमुख भूमिका लेकर मंच पर लौटे उन्होंने द ओ लटविक में द क्रूसिबल के सफल और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रोडक्शन में जॉन प्रॉक्टर की भूमिका निभाई सात आठ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ओलिविया पुरस्कार नामांकन अर्जित किया नौ आर्मिटेज के ट्रेडमार्क में से एक उनकी बैरिटोन आवाज है जिसे उन्होंने 2006 से एक आवाज़ अभिनेता के रूप में नियोजित किया है टीवी श्रृंखला रॉबिनहुड पर काम करते समय उन्हें उस श्रृंखला के पहले सीजन के लिए ऑडियो बुक रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था आर्मिटेज ने कई ऑडियो बुक रिकॉर्ड किए हैं और टीवी रेडियो शो और विज्ञापनों में कथावाचक के रूप में काम किया है 2022 में उन्होंने पहली बार वीडियो गेम में कदम रखा और टोटल वॉर वॉरहमर तीन में डैमन प्रिंस बेलाकोर की आवाज़ दी प्रशस्ति पत्र आवश्यक प्रारंभिक जीवन और शिक्षा आर्मिटेज का जन्म इंग्लैंड के लिसिस्टर में हुआ था वह एक सचिव मार्गरेट और एक इंजीनियर जॉन आर्मिटेज के छोटे बेटे थे उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम क्रिस है दस उन्होंने हनकोटे ब्लेबी डिस्ट्रिक्ट लिसेस्टरशायर में हनकोटे कम्युनिटी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की उद्धरण वांछित और एंडरबी में स्थानीय व्यापक स्कूल ब्रॉकिंगटन कॉलेज में माध्यमिक विद्यालय शुरू किया ब्रॉकिंगटन में आर्मिटेज ने संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाया स्कूल और स्थानीय ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाना और बांसुरी बजाना सीखना चौदह साल की उम्र तक लीसेस्टशायर अथॉरिटी से अनुदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी मां को उन्हें कोवेंट्री के पैटिसन कॉलेज में स्थानांतरित करने का अनुमति देने के लिए राज़ी किया जो प्रदर्शन कला में विशेषज्ञता वाला एक स्वतंत्र बोर्डिंग स्कूल था ताकि वह नाटक और नृत्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें एक, एक एक दो एक तीन आर्मिटेज ने पैटर्सन कॉलेज द्वारा प्रदान किए गए पाठों और अवसरों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा है इसने मुझे एक अनुशासन दिया है जिसने मुझे अच्छी स्थिति में खड़ा किया है कभी देर न करने के लिए अपनी लाइनों को जानने के लिए और पेशेवर होने के लिए चौदह जब उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की तब तक उन्होंने संगीत और अंग्रेजी में ए लेवल हासिल कर लिया था पंद्रह और स्थानीय शौकिया और पेशेवर प्रस्तुतियों जैसे शोबोट, हाफ ए सिक्सपेंस ऑफियस और द एंडरवर्ल्ड बैचेस के रूप में मैं अभिनय का अनुभव प्राप्त कर लिया था न्यू एलेक्जेंड्रा थिएटर बर्मिंगहम में हॉबिट एक योगिनी के रूप में चौदह करिय उन्नीस सौ टू थाउजेंड थ्री प्रारंभिक कार्य उन्नीस सौ में पैटिसन कॉलेज में कार्यक्रम पूरा करने के बाद आर्मिटेज अपना इक्विटी कार्ड प्राप्त करने के लिए छह महीने के लिए बुडापेस्ट में नट्सिक्स में शामिल हो गए जो उस समय यूके में काम करने के लिए मनोरंजन पेशेवरों के लिए एक आवश्यकता थी सोलह सत्रह यूके लौटकर उन्होंने संगीत थिएटर में अपना करियर बनाया केन ओल्डफील्ड के सहायक कोरियोग्राफर के रूप में काम किया और बयालीस स्ट्रीट माई वन एंड ओनली नाइन एनी गेट योर सहित विभिन्न प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया गन और बिल्लियों में एडमेट्स और मैकाविटी के रूप में 18 आर्मिटेज नाटकीय थिएटर प्रस्तुतियों में भी अभिनय कर रहे थे जिनमें द रियल थिंग सिक्स डिग्रीज ऑफ सेपरेशन और डेथ ऑफ ए सेल्समैन शामिल हैं उन्नीस तक उन्हें संदेह होने लगा कि क्या संगीत थिएटर सही करियर मार्ग है इसलिए उन्होंने अभिनय की आगे की पढ़ाई के लिए उन्नीस में लंदन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट लैम्डा में दाखिला लिया उन्नीस बीस मुझे संगीत थिएटर की तुलना में कुछ अधिक सच्चा कुछ करने की ज़रूरत थी मेरे लिए ये थोड़ा अधिक नाटकीय था और यह सब मंच पर खड़े होने और दिखावा करने के बारे में था मैं कुछ और ढूंढ रहा था इसलिए मैं गया ड्रामा स्कूल में वापस इक्कीस लैम्डा के तीन साल के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद वो रॉयल शेक्सपियर कंपनी की मैकबेथ और द डचेस ऑफ माल्फी की प्रस्तुतियों के साथ साथ हैमलेट और फोर एलिस बेकर्स के साथ बर्मिंगहम रिपिटरी थिएटर में एक श्रृंखला लेते हुए एक सहायक खिलाड़ी के रूप में मंच पर लौट आए टेलीविज़न और फिल्मों में छोटी भूमिकाएं बाईस दो में उन्होंने चाम ऑफेंसिव के प्रोडक्शन यूज़ मी एज योर कार्डिगन में अभिनय किया तेईस उसी वर्ष आर्मिटेज बीबीसी नाटक स्पाका हाउस 2002 में जॉन स्टैंडिंग के रूप में अपनी पहली प्रमुख टेलीविजन भूमिका में दिखाई दिए चौबीस ये पहली बार था जब मैं किसी किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था यह एक छोटी सी भूमिका थी लेकिन ये कुछ ऐसी चीज थी जिसमें मुझे सचमुच दिलचस्पी थी मैं वापस नहीं जा सकता था मुझे पता था कि मुझे हर चीज से निपटना होगा इसी तरह पच्चीस इसके बाद उन्होंने बिटवीन द शीट्स छब्बीस कोल्ड फीट श्रृंखला पांच, सत्ताईस और अल्टीमेट फोर्स श्रृंखला दो केटीवी प्रस्तुतियों में सहायक भूमिकाएं निभाईं पंद्रह छब्बीस दो हजार चार ट्वेंटी टेन टेलीविज़न पर सफलता 2004 में आर्मिटेज को एलिजाबेथ गास्किल के नॉर्थ एंड साउथ के बीबीसी रूपांतरण में कपड़ा मिल मालिक जॉन थॉन्टन के रूप में पहली प्रमुख भूमिका मिली 28 निर्देशक और निर्माताओं ने अपने मुख्य किरदार के लिए एक अल्पज्ञात अभिनेता को चुनने का जोखिम उठाया वह इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाले पहले अभिनेता और अंतिम कलाकार थे उनतीस नॉर्थ एंड साउथ एक अप्रत्याशित सफलता थी तीस उनके बारे में बातचीत के परिणामस्वरूप बीबीसी संदेश बोर्ड प्रसारण के तुरंत बाद क्रैश हो गए उन्नीस और उन्हें नए मिस्टर डासी के रूप में सम्मानित किया गया इकतीस बत्तीस कॉलिन फर्थ के मिस्टर डासी का संदर्भ देते हुए जिसे कई लोग इसे निश्चित रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति मानते हैं आर्मिटेज ने जॉन थॉन्टन को आदर्श रोमांटिक अग्रणी भूमिका के रूप में नहीं देखा और प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित थे तैतीस इसके बजाय उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस भूमिका के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनके पिता का परिवार बुनकर था उन्होंने थॉन्टन के द्वैतवाद को चरित्र की ओर आकर्षित करने का हवाला दिया शक्तिशाली लगभग राक्षसी उद्यमी और इस तरह के कमज़ोर लड़के के बीच का द्वंद्व मेरे लिए देखना रोमांचक है उनतीस 2010 हज़ार दस बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में आर्मिटेज 2005 में उन्होंने बीबीसी की शेक्सपियर रीटोल्ड श्रृंखला में मैकबेथ में पीटर मैकफ की भूमिका निभाई और इंस्पेक्टर लिनली मिस्ट्रीज़ के एक एपिसोड में एक उबरते हुए जुए के आदि के रूप में दिखाई दिए चौंतीस उन्होंने द इम्प्रेशनिस्ट में युवा क्लाउड मोनेट की भूमिका निभाई पैंतीस और आईटीवी के द गोल्डन ऑवर में डॉक्टर एलेक ट्रैक के रूप में जो लंदन एयर एम्बुलेंस पर आधारित एक चिकित्सा श्रृंखला है छत्तीस फिल्मों में उनकी पहली महत्वपूर्ण भूमिका स्वतंत्र फिल्म फ्रोजन में थी 37 2006 में आर्मिटेज को बीबीसी श्रृंखला रॉबिनहुड में गाय ऑफ गिस्बोन के रूप में चुना गया था जिसे हंगरी में फिल्माया गया था उनमें गाय के चरित्र को बनाए रखने के लिए आपको उसके भीतर द्वंद्व को ढूंढना होगा वह लगातार अच्छे और बुरे के बीच वह कौन बनना चाहता है और वास्तव में कौन है के बीच खींचा जाता है वह एक अच्छा इंसान हो सकता था लेकिन उसके घातक दोष के कारण उसे हमेशा के लिए नीचे खींच लिया जाता है कि वह हर कीमत पर महिमा चाहता है अड़तीस तीसरी श्रृंखला के बारे में उन्होंने कहा मुझे उसका किरदा निभाना पसंद है लेकिन गिस्बोन जैसे चरित्र के साथ यदि आप उसे वह देते हैं जो उसे चाहिए तो एक तरह से ये ख़त्म हो गया है वह चरित्र केवल तभी दिलचस्प होता है जब वह उसे वह नहीं मिल रहा जो वह चाहता है चाहे वह सत्ता हो पैसा हो या लड़की हो उनतालीस रॉबिनहुड की तीसरी और अंतिम श्रृंखला 28 मार्च 2009 को शुरू हुई आर्मिटेज द विकर ऑफ डिब्बली के दो भाग टू थाउजेंड क्रिसमस नए साल के विशेष संस्करण में हैरी कैनेडी विकर के नए प्रेमी और अंततः पति के रूप में दिखाई दिए उन्होंने 2007 में रेड नोज डे के लिए भूमिका दोहराई 8 अप्रैल 2007 को उन्होंने मार्टिन शॉ और ली इंगबी के साथ जासूसी नाटक जॉर्ज जेंटली में बाइकर रिकी डीमिंग की भूमिका निभाई 9 मई 2007 को वह बीबीसी फोर प्रोडक्शन के मिस मैरी लॉर्ड क्वीन ऑफ द म्यूजिक हॉल में मैरी लॉर्ड के पहले पति पेसी कटेने की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए वह अगाथा क्रिस्टी के ऊ पन्यास ऑडियल बाय इनोसेंस के ग्रेनाडा टीवी प्रोडक्शन में फिलिप ड्यूरेंट के किरदार में भी दिखाई दिए आर्मिटेज श्रृंखला सात के लिए लुकास नॉर्थ के पात्र के रूप में स्पूक्स के कलाकारों में शामिल हुए जो 27 अक्टूबर 2008 को यूके में शुरू हुआ चार आर्मिटेज का कहना है कि रूसी जेल में आठ साल बिताने वाले इस किरदार का बाहरी हिस्सा आकर्षक है लेकिन यह मनोवैज्ञानिक रूप से क्षतिग्रस्त है मुझे एक क्षण और अच्छे किरदारों के संयोजन वाली फिल्में पसंद हैं यही कारण है कि लुकास दिलचस्प है क्योंकि मुझे एक जटिल मनोविज्ञान वाले व्यक्ति की भूमिका निभानी है जो वहां जाता है और दुनिया को बचाने की कोशिश करता है चालीस श्रेय खला सात के फिल्मांकन के दौरान आर्मिटेज ने फ्लैशबैक अनुक्रम को फिल्माने के लिए खुद को वाटरबोर्डिंग के अधीन होने की अनुमति दी इकतालीस जुलाई दो में आर्मिटेज ने श्रृंखला नाइन का फिल्मांकन पूरा किया जो उनकी अंतिम श्रृंखला थी बयालीस बीस मई 2009 को आर्मिटेज बीबीसी एक नाटक मूविंग ऑन में जॉन मुलिगन के रूप में दिखाई दिए मई 2010 में आर्मिटेज ने स्काई एक के लिए स्ट्राइक बैक जिसे क्रिस रयान के स्ट्राइक बैक के रूप में भी जाना जाता है में पूर्व एसएस सैनिक जॉन पोटर के रूप में अभिनय किया पांच दक्षिण अफ्रीका में फिल्माए गए आर्मिटेज को भूमिका की मुख्य चुनौती ये दिखाने में लगी कि कैसे चरित्र ने पारिवारिक और घरेलू जीवन के साथ एक प्रशिक्षित हत्यारा बनने का संकल्प लिया तैंतालीस अंत में यह वही किरदार था जिससे मैं आकर्षित हुआ यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दबाव में निर्णय लेता है और उस निर्णय का उसके पूरे जीवन पर गहर प्रभाव पड़ता है उन्होंने कहा वो प्रायश्चित की तलाश में जाता है और फिर भी विश्वास करता है कि उसने सही काम किया है भले ही इसके लिए उसके तीन दोस्तों की जान चली गई वहाँ गुस्सा है और वहां अन्याय है यह ऐसा है मैंने गलत परिणाम के साथ सही काम किया चौवालीस जब स्काई एक और सिनेमैक्स ने स्ट्राइक बैक की दूसरी श्रृंखला स्ट्राइक बैक प्रोजेक्ट डॉन शुरू करने का निर्णय लिया तब तक आर्मिटेज द हॉबिट के लिए प्रतिबद्ध हो चुका था और श्रृंखला को जारी रखने में असमर्थ था हालांकि वह जॉन पोटर के भाग्य का समाधान करने के लिए पहले एपिसोड में एक अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए पैंतालीस छियालीस जॉन पोटर के रूप में उनकी भूमिका के कारण उन्हें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में चुना गया अमेरिकी कास्टिंग एजेंटों ने लंदन में जॉन पोटर के रूप में उनके पोस्टर देखे हालांकि वे उनके लिए अज्ञात थे फिर भी उन्होंने उन्हें नाज़ी जासूस हैंच क्रूगर की भूमिका की पेशकश की क्योंकि वो इस भूमिका में लग रहे थे स्पूक्स श्रृंखला नाइन पर फ़िल्मांकन के बाद आर्मिटेज ने 2010 की शरद ऋतु में स्वीकार किया और अपने दृश्यों की शूटिंग की फिल्म जुलाई 2011 में रिलीज हुई थी सैतालीस अड़तालीस दो वर्तमान फिल्म की सफलता और उससे आगे 21 अक्टूबर 2010 को पीटर जैक्सन ने घोषणा की कि द हॉबिट के तीन फिल्म निर्माण में आर्मिटेज को थोरीन ओकेशील्ड के रूप में चुना गया है दो न्यूजीलैंड में मुख्य फ़ोटोग्राफी मार्च 2011 से जुलाई 2012 तक चली बीच बीच में ब्रेक के साथ तीन फ़िल्मांकन ब्लॉकों में विभाजित किया गया और 2013 की गर्मियों में पिकअप की शूटिंग की गई उनचास सभी तीन फिल्में दिसंबर में रिलीज हुईं 2012 में द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी 2013 में द हॉबिट द दे डिसोलेशन ऑफ स्मॉग और 2014 में द हॉबिट द बैटल ऑफ द फाइव आर्मीज से शुरुआत का आर्मिटेज ने सोचा कि यह एक अद्भुत अवसर था क्योंकि वह किताबें पढ़ते हुए बढ़े हुए थे संयोगवश उनकी पहली स्टेज भूमिकाओं में से एक बमिंगहम के एलेक्स थिएटर में द हॉबिट के निर्माण में एक योगिनी की भूमिका निभाना था पचास व थोरीन के चरित्र को जटिल और त्रुटिपूर्ण बताते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में संदेह था और जिसके मन में डर था और उसके लिए एक सौम्य पक्ष था और शायद उसके लिए एक बहुत ही अकेला पक्ष था इक्यावन उन्होंने कहा कि बैग एंड में बालिन के साथ वाला दृश्य चरित्र की आंतरिक संवेदनशीलता और असफ लता के डर को दर्शाता है जहां उसके पिता और उसके दादा भी असफल हुए थे वहां असफल रहे इक्यावन द हॉबिट पर फिल्मांकन पूरा होने के बाद आर्मिटेज ने जुलाई से सितंबर 2012 तक फिल्म इंटू द स्टॉम के लिए डिट्रॉयट मिशिगन के लिए उड़ान भरी बावन तिरपन उन्होंने गैरी फुलर एक हाई स्कूल वाइस प्रिंसिपल और दो किशोर बेटों के साथ फुटबॉल कोच की भूमिका निभाई चावन न्यू लाइन की फिल्म अगस्त 2014 में रिलीज हुई थी पचपन मार्च 2014 में आर्मिटेज ने यूके के लीड्स में बर्नार्ड हेयर के संस्मरण अबन ग्रिमशो और क्रू के रूपांतरण की आठ सप्ताह की शूटिंग शुरू की पांच छ पाँच सात पाँच आठ उन्होंने चॉप लेखक का उपनाम की भूमिका निभाई जो ब्रिटेन के निचले वर्ग का एक पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता शराबी और नशे का आदि है जो कठोर युवा अपराधी शहरी से दोस्ती करता है छप्पन उनसठ आर्मिटेज ने इस भूमिका के प्रति अपने आकर्षण को समझाया यह मेरे लिए कुछ हद तक सही है ये वास्तव में दिलचस्प साहित्य पर आधारित है लेकिन जीवित लोगों पर भी आधारित है जो सेट पर हमारे साथ काम कर रहे हैं साठ अबिन एंड द शेड क्रू का प्रीमियर सात नवंबर 2015 को लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एलआईएफएफ में हुआ एक आर्मिटेज अगली बार आथर मिलर की द क्रूसिबल के द ओल्ड विक प्रोडक्शन में जॉन प्रॉक्टर के रूप में दिखाई दिए येल फॉबर द्वारा निर्देशित और राउंड में प्रदर्शन किया गया यह नाटक 21 जून से 13 सितंबर 2014 तक चला बासठ प्रोडक्शन को अभूतपूर्व संख्या में पांच सितारा समीक्षाएं मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही उनके प्रदर्शन के लिए आर्मिटेज को ब्रॉडवे वर्ल्ड यूके अवार्ड्स 2014 हज़ार द्वारा एक नाटक के नए प्रोडक्शन में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता और ओलिविया पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन से सम मानित किया गया नाइन उत्पादन देखने की दुनिया भर में मांग के कारण डिजिटल थिएटर ने द क्रूसिबल को सिनेमाघरों में लाने और डिजिटल डाउनलोड के लिए लाइव प्रदर्शन पर कब्जा कर लिया इसे यूके और आयरलैंड में 4 और 7 दिसंबर 2014 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया फरवरी और मार्च 2015 में अन्य चयनित क्षेत्रों में आगे की स्क्रीनिंग के साथ सात आठ कॉपीराइट मुद्दों ने फिल्म को उत्तरी अमेरिकी सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने से रोक दिया चौंसठ डिजिटल थिएटर ने 17 मार्च 2015 को दुनिया भर में डिजिटल डाउनलोड उपलब्ध कराया पैंसठ सितंबर 2014 के एक साक्षात्कार में आर्मिटेज ने खुलासा किया कि वह द क्रूसिबल के बंद होने के बाद लंदन में एलिस थरू द लुकिंग ग्लास में किंग ओलेन की अपनी कैमियो भूमिका फिल्म आएंगे छियासठ सड़सठ ये फिल्म मई 2016 में रिलीज हुई थी आर्मिटेज ने अक्टूबर 2014 में ग्रेटर लॉस एंजल्स क्षेत्र में स्लीप वॉकर का फिल्मांकन करते हुए चार सप्ताह बिताए इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में आर्मिटेज ने एक नींद अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ एमडी डॉक्टर स्कॉट वाइट की भूमिका निभाई है चार फरवरी 2017 को रिलीज हुई अड़सठ उनहत्तर द लरेंटिस कंपनी ने तेरह जनवरी 2015 को ट्वीट किया कि आर्मिटेज को हैनीबल के टीवी प्रोडक्शन में फ्रांसिस डोलराहाइड के रूप में लिया गया था सत्तर जिसे ब्रायन फुलर ने लिखा और सह निर्मित किया था डोलराहाइड एक सीरियल किलर है एक चरित्र प्रकार जिसे आर्मिटेज ने चित्रित करने में रुचि व्यक्त की थी इकहत्तर उन्होंने जनवरी बहत्तर से अप्रैल तक कनाडा के टोरंटो में श्रृंखला का फ़िल्मांकन किया तिहत्तर और श्रृंखला 4 जून से 29 अगस्त 2015 तक प्रसारित हुई चौहत्तर आर्मिटेज सीजन तीन के अंतिम छह एपिसोड में दिखाई दिए पचहत्तर छिहत्तर उच्च प्रशंसा व्यापक प्रशंसा अर्जित करना सात 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 आठ सात नौ और दो जीत सहित कई पुरस्कार नामांकन आठ शून्य आठ एक आठ दो अप्रैल 2015 के अंत में हेनिबल की शूटिंग पूरी करने के बाद आर्मिटेज अपने साथी पिलग्रिमेज कलाकारों में शामिल हो गए तिरासी जिन्होंने दो सप्ताह पहले ही आयरलैंड के कोनेमारा में फ़िल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी चौरासी व तेरहवीं शताब्दी के फ्रांसीसी नॉमन सर रेमन डी मरविल की भूमिका निभाते हैं जो आयरलैंड से रोम तक एक पवित्र अवशेष ले जा रहे भिक्षुओं के एक समूह को विफल करने का इरादा रखते हैं पिचासी छियासी कलाकार और चालक दल बाद में फ़िल्मांकन पूरा करने के लिए बेल्जियम के अर्देनेस क्षेत्र में चले गए सतासी मई के अंत में फ़िल्म की रैपिंग से एक सप्ताह पहले आर्मिटेज की रैपिंग हुई अठासी नवासी तेरह मई 2015 को खबर आई कि आर्मिटेज क्लियरेंस में अभिनय करेंगे जो फिनिश निर्देशक अकू की पहली अंग्रेज़ी भाषा की फिल्म है और नवंबर 2015 में दक्षिण अफ्रीका में फिल्म आई जाएगी नब्बे ये रे नाम के एक कठोर खदान विशेषज्ञ के बारे में एक एक्शन ड्रामा है आर्मिटेज और उसकी गर्भवती साथी नाउमी हैरिस जिनका दक्षिण सूडान में अपहरण कर लिया गया है नब्बे इक्यानवे फाइनली दोस्तों वीडियो कैसा लगा यदि आपको पसंद है इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपसे आप में से काफी लोग हमारे वीडियो देखते हैं लाइक तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे हम आपके तक ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो लाते रहे और आपके लिए आपकी सेवा में लगे रहे तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में प्यार कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में